कॉन्फिडेंस। नाम तो सुना होगा जी। नहीं दोस्तों, कॉन्फिडेंस एक ऐसी ह्यूमन स्किल है जो बाकी सभी स्किल्स पर भारी पड़ती है। मार्कस गावी, जो एक एक्टिविस्ट और फिलोसोफर थे, उनका एक कोट है, विद कॉन्फिडेंस यू वॉन बिफोर यू स्टार्टेड। यानी अगर आप किसी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंट हो तो वो काम शुरू करने से पहले ही आप उसमें जीत जाते हो। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो फिर आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, मगर आपका किसी भी काम में सफलता पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए किसी भी काम में सफलता पाने के लिए हाई कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 प्रैक्टिकल मेथड्स जिनसे आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। ये मेरे खुद के पर्सनल मेथड्स हैं और इनकी मदद से मैं भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाया हूँ, इसीलिए मैं उन्हें आपके साथ ही शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, बिकम फिजिकली स्ट्रॉन्ग। देखिए दोस्तों, ये बात तो आप भी अच्छे से जानते होंगे कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इसीलिए अगर आपका शरीर कमजोर है तो आपका मन भी कमजोर होगा और कॉन्फिडेंस भी कम होगा। भारत जैसे देश में जहाँ पहले अखाड़े हुआ करते थे और हर आदमी शरीर से मेहनत करता था, आज उसी देश में हर 4 लोगों में से एक ओवरवेट है। खैर, वापस अपने पॉइंट पर आए तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए फिजिकली फिट और स्ट्रॉन्ग बनना जरूरी है। और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको 2 चीजें करनी होंगी। पहला, हर दिन एक्सरसाइज करिए, वेट ट्रेनिंग, रनिंग, योगा, कैलिस्थेनिक्स, आपको जो भी पसंद है वो करिए, लेकिन हर दिन कम से कम 30 मिनट शरीर से जमकर मेहनत करवाइए। एक्सरसाइज करने से आप मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज इजी नहीं होती, और एक्सरसाइज करने के दौरान हमें अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ता है, जिससे हमारा विल पावर और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। खुद मेडिकल साइंस ये बात प्रूव करती है कि एक्सरसाइज करने से हमें कई मेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं। दूसरा, अपने खान पान पर कंट्रोल करना और हेल्दी चीजें ज्यादा खाना, जैसे फल, हरी सब्जियां, दूध, इन सब को ज्यादा खाइए। ये दोनों चीज करने से ना आपकी बॉडी फिट और स्ट्रॉन्ग बनेगी, जिससे फिर आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। नंबर 4, डोंट सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंट भी इसीलिए बनना चाहते हैं ताकि दूसरे उन्हें ज्यादा पसंद करने लगे, उन्हें ज्यादा भाव देने लगे, पर ये सोच गलत है। आपको कभी भी दूसरों से अप्रूवल नहीं मांगना चाहिए। एक नाइस गाय और एक ट्रूली कॉन्फिडेंट पर्सन में यही डिफरेंस होता है कि नाइस गाय दूसरों से अप्रूवल चाहता है, वो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है, जबकि एक कॉन्फिडेंट पर्सन वो होता है जो खुद की खामियों को भी एक्सेप्ट करता है, किसी से अप्रूवल नहीं मांगता, वो सही बात बोलता है, फिर चाहे वो दूसरों को अच्छी लगे या नहीं। किसी से अप्रूवल की आशा करना और दूसरों को खुश करने की कोशिश करना बस हमारे कॉन्फिडेंस को कम करता है। इसीलिए हमें भी ये समझना चाहिए कि कोई परफेक्ट नहीं होता। हम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाए, तब भी हमने कुछ ना कुछ कमी रहेगी। हमें उन कमियों को एक्सेप्ट करके उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। कमियों से याद आया, मेरे में भी एक कमी थी जिसने मेरे आत्मविश्वास को काफी प्रभावित किया था। जी हाँ, थी, अब नहीं है। एक्चुअली आई वॉज ओवरवेट, जिसकी वजह से जहाँ भी जाता लोग कुछ ना कुछ कमेंट पास करते थे। ऐसा होने से इवेंचुअली मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था। देन आई डिसाइडेड टू इनकल्केट वर्कआउट रूटीन इन माई लाइफ एंड लिमिट माई कैलोरीज इनटेक, एंड अलोंग विद डाइट एंड वर्कआउट मैंने एक्स्ट्रा पुश के लिए एक सप्लीमेंट भी लिया था, बट नाउ दैट इज नॉट अवेलेबल। तो अगर आपका BMI भी गड़बड़ाया हुआ है और आप भी मेरे जैसे कंडीशन में हो, या कहें कि आप बहुत मोटे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्रैश डाइट बिल्कुल भी मत लो। डू नॉट रिड्यूस द कैलोरी इनटेक्स ड्रास्टिकली, धीरे धीरे कैलोरी इनटेक कम करिए, एंड योर गोल शुड बी हेल्दी वेट लॉस। इसके अलावा लाइक मी, आप कोई एक्सटर्नल सप्लीमेंट की हेल्प ले सकते हैं, जैसे सुनोवा कंपनी, जो कि 20+ इयर्स एक्सपीरियंस होल्डर है, जिसने एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है, एंड दैट इज सुनोवा बायो स्लिम टैबलेट, विच इज 100% वीगन, क्लिनिकली सर्टिफाइड एंड अ वेट मैनेजमेंट फॉर्मूला। ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है जो लोग अपनी बॉडी से अनचाहा फैट कट करना चाहते हैं। ये टैबलेट्स आपके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करते हैं, जिससे आपके एपेटाइट, हंगर कंट्रोल में रहती है। की इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें सारी वेल नोन चीजें हैं, जैसे ग्रीन कॉफी बीन्स, पाइपर नाइग्रम, गार्सिनिया कंबोजिया, जो कि बॉडी फैट अब्सॉर्प्शन को कम एंड मैनेज करते हैं। अगर कंज्यूमेशन की बात की जाए तो एक टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है, खाने से आधे घंटे पहले। खास बात, आपको मैक्सिमम बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप वर्कआउट इनकल्केट करोगे अलोंग विद द टैबलेट्स। तो फिर देर किस बात की, इफ यू आर ऑल्सो ओवरवेट एंड वॉन्ट टू लूज वेट, अभी जाओ, ऑर्डर 1 फॉर यू, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 3, डू व्हाट यू से।
अगर आप जैसा बोलते हो वैसा कभी करके नहीं दिखाते तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। देखिए, जिस तरह आपका माइंड दूसरों को जज करता है और अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग उनकी एक इमेज आपके दिमाग में बन जाती है, उसी तरह आपका ये माइंड आपको भी जज करता है और उसी जजमेंट के अकॉर्डिंग ही आपकी अपनी एक सेल्फ इमेज आपके दिमाग में बनती है और ये चीज हर समय होती है। मान लीजिए कि आपने ये डिसाइड किया कि आप आज शाम 6 बजे से 1 घंटा वर्कआउट करोगे और शाम 6 बजे आप आलस करने लगे और आपने वर्कआउट नहीं किया तो अब आपका माइंड आपको जज करने के बाद आपकी एक इमेज दिमाग में बना लेगा कि आप आलसी और काम चोर हो और आप जितनी बार प्रोक्रास्टिनेट करते जाएंगे ये इमेज उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी और धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा। वहीं अगर आप डिसाइड करते हो कि आज आप 7 बजे वर्कआउट करोगे और आप 7 बजे वर्कआउट करते हो तो आपकी एक स्ट्रांग और डिसिप्लिन पर्सन वाली इमेज आपके माइंड में बनेगी जिससे फिर आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही और आप ज्यादा सेटिस्फाइड और हैप्पी भी फील करोगे। इसीलिए जो बोले वो करके दिखाओ, किसी को कोई वादा किया है तो उसे पूरा करो। रामायण की वो सीख हमेशा याद रखो, प्राण जाए पर वचन ना जाए। नंबर 2, एम्ब्रेस योर फेलियर्स। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट वो लोग होते हैं जो कभी फेल ही नहीं होते, हर काम में अच्छे होते हैं और कभी गलतियां भी नहीं करते, पर ये बात गलत है। कॉन्फिडेंट वो नहीं होता जो कभी फेल ना हुआ हो, कॉन्फिडेंट वो होता है जिसे फेलियर्स का कोई डर ना हो। सफलता के रास्ते में छोटे मोटे फेलियर्स तो आते रहते हैं, मगर जो इन फेलियर्स से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, वो जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। पर जो इन फेलियर्स से डरते नहीं, जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, सिर्फ वही लोग अंदर से कॉन्फिडेंट बन पाते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई कंपटीशन होता है तो उसमें कुछ लोग तो इसलिए पार्ट नहीं लेते कि अगर हार गए तो क्या होगा, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, पर पार्ट ना लेने से उनको कुछ हासिल नहीं होता, उल्टा वो खुद ही उन लोगों का हिस्सा बन जाते हैं जो बस दूसरों का मजाक बनाते हैं। पर कुछ लोग हिस्सा लेते हैं, उन्हें पता होता है कि उनके जीतने के चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी वो कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं और इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उन्हें कुछ सीखने को भी मिलता है, फिर चाहे वो हारे या जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कोशिश की, यही बात इन्हें प्राउड फील करवाती है। इसलिए फेलियर से कभी भी मत डरिए। नंबर 1, बी स्किलफुल एंड यूजफुल। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो आई थिंक सबसे अचूक तरीका है वो है खुद को इतना केपेबल और स्किल्ड बना लेना कि आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ने लग जाए। अब ये पॉइंट कुछ लोगों को थोड़ा अलग लग रहा होगा, पर ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैंने अपनी जिंदगी में पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि जिस आदमी के पास जितनी ज्यादा स्किल्स होती है, जिस बंदे को जितने ज्यादा काम करने आते हैं, वो उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। ऐसा क्यों है? इसका एक रीजन है उनका एक्सपीरियंस और नॉलेज। जिस आदमी के पास जितनी ज्यादा चीजों का जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, वो जितनी ज्यादा चीजों के बारे में जानकारी रखता होगा, वो उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में कुछ ऐसे लड़के हैं जो दूसरों को मारते पीटते हैं और परेशान करते हैं और स्कूल के सभी बच्चे उन लड़कों से डरते हैं और आप उस स्कूल में न्यू हो, पर आपने कुंग फू की ट्रेनिंग कर रखी है और आप एक स्किल्ड फाइटर हो, तो आप मुझे बताइए कि क्या आप उन लड़कों के सामने ज्यादा कॉन्फिडेंटली बिहेव करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि आप एक केपेबल और स्किल्ड पर्सन हो। इसीलिए हमें भी जितना हो सके उतनी स्किल्स अपनी लाइफ में सीखनी चाहिए और खुद को ज्यादा केपेबल बनाते रहना चाहिए। आप जितने ज्यादा केपेबल होते जाओगे, जितना अपने एक्सपीरियंसेस और नॉलेज को बढ़ाते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो 5 प्रैक्टिकल मेथड्स जिन्हें फॉलो करके आप भी एक ट्रूली कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकते हो। दोस्तों, ये जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, ये कोई क्विक फिक्सेस नहीं है जिनसे आप एक दिन में कॉन्फिडेंट बन जाओ। इन मेथड्स को आपको कई महीनों और सालों तक रेगुलरली फॉलो करना होगा, लेकिन एक बार आपने इन मेथड्स को लंबे समय तक फॉलो कर लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी कॉन्फिडेंट बन जाओगे। तो दोस्तों, अगर आप भी रैपिडली वेट लॉस करना चाहते हो तो आप भी अपने वर्कआउट के साथ उसको एनहांस करने के लिए सुनोवा बायोस्लिम टैबलेट्स यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वन फॉर योरसेल्फ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और ऐसे ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।